हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम 8 साल के बच्चे का पजामा सिलने का तरीका बताएंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और यदि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पजामे की सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम ये दो पीस उठाएंगे। ये हमने पजामे की जो कटिंग की थी उसमें से, और इसको आधा आधा इंच का दबाव डालते हुए इसको यहाँ से इस तरह से पूरे पर सिलाई करेंगे। और उसके बाद हम इस पर आधा आधा इंच का दबाव देते हुए इस तरह से हम इस पर भी सिलाई करेंगे। इसी तरह से हम इस पार्ट की भी सिलाई करेंगे। अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। हमने ये इस पार्ट की दोनों साइड की सिलाई कर ली है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर लेते हैं। अब हमने ये पजामे के दोनों हिस्से जो हैं, इनकी दोनों की सिलाई कर ली है, इधर से भी कर ली और इधर से भी। अब हम इनको सीधा करेंगे। ये हमने इन दोनों हिस्सों को सीधा कर लिया है, जैसे ये खुला रह गया है, और इधर से भी जैसे सिलने के बाद, ये बीच की सिलाई लगने के बाद इस तरह से खुला रह गया है। तो हम इन दोनों को इस तरह से अटैच करेंगे। यहां से ये इसको इसके साथ आधा आधा इंच का दबाव देते हुए इस तरह से इसकी सिलाई कर देंगे, यहां से और यहां तक हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये जो यहां पर ये जो बीच में सिलाई है, इस जगह पर हम आएंगे तो ये जो सिलाई एक साइड है इसको हम इस तरह से कर देंगे, ताकि एक साइड में ज्यादा मोटी ना हो। और इस तरह से दोनों तरफ जो है इसको इस तरह से कर देंगे, फिर मोटी मोटी नहीं होगी। इस सिलाई को हमने डबल कर लिया, यानी कि ये ताकि ये टूटे। अब ये जो हमने सिलाई की है इसमें यहां पर हम इसके साथ साथ दो चार कट लगा देंगे इस तरह से। ये हमने कट लगा दिए हैं, ये इसलिए लगाए ताकि इस पजामे में इस तरह से खिंचाव ना आए, पहनते वक्त खिंचाव ना आए इसलिए। अब हम ये जो नेफा जो है इसको मोड़ेंगे। हमें यदि नाड़ा डालने वाला पजामा बनाना है तो हम नेफे में इस तरह से ये 1.5 इंच खुला रख लेंगे। ये हम प्लास्टिक डालना है तो हम ये चीज जो है खुली नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से बंद ही कर देंगे पूरे को, जो ये हमने सिलाई लगाई थी उसमें। इसमें हमें नाड़े वाला पजामा बनाना है, इसलिए हमने ये 1.5 पौने 2 इंच जो है खुला रख लिया। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब हमने ये नेफा जो है ये मोड़ लिया है, नेफे की हमने मुड़ाई कर ली है। अब हम इसकी नीचे जो पजामे की मोरी है इसकी मुड़ाई करेंगे। इस मोरी को मोड़ते समय जो हमने निशान लगाया हुआ है, इन दोनों साइड में हम एक एक कट लगाए ताकि हमें इसको मोड़ने में दिक्कत ना आए। ये कट लगा लिया है, अब हम इसको सीधा करके इसे मोड़ लेंगे। ये बीच की जो सिलाई है, ये वाली बीच की जो सिलाई है, यहां से हम इसको पकड़ेंगे, ये एक्स्ट्रा धागे हम काट देंगे और इसको इस तरह से यहां से इस तरह से हम पकड़ के, और इसको ये जो कट है इसका हमें ये ध्यान रहेगा कि हमें यहां से इसको मोड़ना है, तो हम इसको इस तरह से मोड़ के और इसके ऊपर से सिलाई कर देंगे। अब हमने दोनों साइड से ये मोरी जो है मोड़ ली है। अब हमारा एक पजामा सिलकर बिल्कुल तैयार है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।